हरिद्वार में सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाते हुए भीख मांगना कुछ युवाओं को भारी पड़ गया। युवाओं की गतिविधि संदिग्ध लगने पर स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और काफी हंगामा किया। उसके बाद भिखारी बने युवा वहां से माफी मांगकर जैसे तैसे बच गए। हरिद्वार के पुराना रानीपुर मोड़ के पास दो नाबालिग लड़कियां दुकानों से भीख मांग रही थी। इसके अलावा दो लड़के भी फटे कपड़े पहनकर अलग अलग दुकानों से भीख मांग रहे थे। दुकानदारों को उनकी गतिविधि संदिग्ध लगी तो उन्हें रोककर उनसे पूछताछ की गई। इन भिखारी युवाओं ने बताया कि वे एक्टिंग स्कूल चलाते हैं और प्रैक्टिकल करने के लिए आज भीख मांगने का सीन शूट किया जा रहा है। मौके पर हंगामा होते देख वीडियो बना रहे लोगों ने माफी मांगकर अपना पीछा छुड़ाया और लोगों से भीख के रूप में लिए गए पैसे भी वापस किए गए। मैं अभी अपने स्कूटर से यहाँ से निकल रहा था तो इन बच्चों को कुछ बैगिंग स्टाइल में हम लोगों ने यहाँ पे मांगते हुए देखा। काफी लोगों ने इन लोगों की हेल्प भी करी, लेकिन थोड़ी देर बाद माहौल यहाँ घर में आया, काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए इन दोनों बेटियों को देख के, जो एक आजकल के यूथ को शायद इन चीजों का पता नहीं है। पॉपुलर होने के लिए ये लोग फेसबुक पे आना है, यूट्यूब पे हमें अपने आप को वायरल करना है। मैं इनसे ये कह रहा था कि अगर आप कोई सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है, जो पुलिस है, या तो उसको कॉन्फिडेंस में लेके आप इस चीज को करें। छात्र हैं तो क्या होता है, हम कभी कभी अपने छात्रों का प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ नजदीक थे, नजदीक के एरिया के पार्षद साहब के यहाँ के लड़के थे, तो उनको लेके हम लोग जो सिक्योरिटी के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ हम लोगों ने प्रैक्टिकल कराया। प्रैक्टिकल कर रहे थे हम लोग तो ये लोग आ गए। फिर इनको हमने बताया, हमने कहा हमारा गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, देख लीजिए, उत्तराखंड का बेस्ट एक्टिंग स्कूल है। हमने ये सीन शूट किया कि भीख जो है किस तरीके से मांगी जाती है, उसके एक्सप्रेशन क्या होते हैं, किस तरीके से होता है। तो जो हमने करेक्शन किया वो अभी हमने दान भी कर दिया है, और भी हम अपनी तरफ से 1000-2000 रुपए जो गरीब लोग हैं उनको देके जाए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।